ਔਰ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਦੇ ਤਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਉਠਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪ ਯੰਗ ਹੈ ਇਸਮੇ 30 40 ਸਾਲ ਲਗਤੇ ਹੈ 30 40 ਸਾਲ ਲਗਤੇ ਹੈ ਮਲੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪ ਕੋ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਨੀ ਬਤਾ ਦੇਣਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਬਾਤ ਦੀ ਬਾਤ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਕਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਥੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਤਲਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਲੋਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉੱਠੋ ਉੱਠੋ ਇਥੋਂ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਦੇ ਤਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਉਠਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਲੈਣਾ ਦੁਆ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਪਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਓ ਦੁਆ ਕਰੋ ਦੁਆ ਕਰੋ ਦੁਆ ਕਰੋ ਦੁਆ ਲੈਣਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਦੇਓਗੇ ਦੁਆ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਲਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਯਾਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮਸ਼ਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਅੱਛਾ ਸੀ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੇ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ चलो बाबा जी 2 मिनट दे दियो इधर आओ उधर बाबा जी 2 मिनट दे दियो गद्दे मशीन पर चले जाओ गद्दे जेड़ा नहीं ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਐ ਮਤੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ बाबा जी कहाँ से तशरीफ लाए हैं ऐसे लाहौर 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 देने डेरा लाया हाँ जी हाँ जी चेले हो बाबा जी नहीं नहीं सारे कल्ले कल्ले हैं सब कलो कल ही आए सब कलो कल वो किसी ने आश्रय नाल को बैग यहाँ तक लगवास्ता होया माड़ा चंगा आप भी इधर लाहौर लाहौर के भी तो आए आप कौन से दरबार मुर्शद कौन नहीं मैं इंटरव्यू नहीं देता मुर्शद कौन है सब कुछ है इंटरव्यू मैं नहीं देता इंटरव्यू नहीं वजह क्या होती आप यंग है इसमें 30-40 साल लगते हैं 30-40 साल लगते हैं रूहानियत हाँ जी अच्छा आप जाने के लिए आस्थाना किधर इसलिए जो है आपका स्थान सब कुछ है लेकिन मैं बताता नहीं हूँ बताते नहीं तफसील में जाता हूँ हाँ शॉर्ट करके मेरी बात सुने आप भी मलांग है जाहिर सी बात है आपके भी मुर्शद होंगे किसी को मान बिल्कुल है मुर्शद बिल्कुल है मुर्शद मलांग का क्या काम नहीं आपको भी पता है मुझे नहीं पता मैं आपसे आप मुझे इतना पता है कि हमें हमारे नबी पाक ने क्या सिखाया और हम किस लिए आए हैं इस दुनिया में हमारा मकसद हमें तो ये पता है हमें ये बता दो मुझे मेरी बात सुनो मुझे ये बता दो ना कि आप कलमा मुझे ये बता दो कि मलंग का क्या होता है मकसद और मलंग किस लिए होता है थोड़ा सा बता दो मलंग है ना आप मलंग का मकसद क्या होता है आपको समझ में नहीं आनी बता देना समझ आए ना आए वो बात की बात है सच्ची सच्ची कुरान में है अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़ुनून अल्लाह के बहुत से दोस्त हैं अल्लाह 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 कह रहा है वो मुझसे ला खौफ है ला खौफुन अलैहिम उन पर किसी किस्म का खौफ नहीं है अल्लाह के जो बहुत से दोस्त हैं अल्लाह कह रहा है उन पर मेरा किसी किस्म का खौफ नहीं है ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़ुनून जो मुर्शिद है वो वली होता है मुर्शिद वली होता है आपके मुर्शिद कौन मेरे मुल्तान में है सैयद मोहम्मद ईसा अल मरूब बाबा तलवार शाह तलवार शाह अच्छा अच्छा तलवार शाह बिल्कुल जिनके 1.25 लाख मिला वही है ना वो ब्लैक वाले अभी वही है तो आपका तो गेटअप नहीं इसमें वो गेटअप का नहीं है वैसे उनको तलवार शाह कहते थे या उनका नाम वो थे रिटायर्ड थे चीफ जस्टिस है रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाँ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ये कब की बात ये कोई है कोई तकरीबन 50 साल 50 साल पहले चीफ जस्टिस थे हाँ रिटायर हाँ रिटायर फिर बाबा जी बन गए हाँ तलवार शाह नाम था हाँ अच्छा
जैसे वो नजीबुल्ला वाले कर्नल साहब, अच्छा वो अपनी बाप की सीट पे आ गए थे कर्नल साहब, जिसे कहते हैं नजीब गदी के, क्या कहते हैं जब मुर्शिद के बाद जो अपनी वो गदी नशी, ठीक हो गया। तो आपका स्थान अभी मुल्तान में है कि? हाँ मुल्तान जी, आप कह रहे हो घर में है, इधर घर में बनाया। आपके पास अगर कोई आते हैं मतलब कि आस्थाने में अगर मैं आ जाता हूँ विल फर्ज करें? नहीं मैं घर में रहता हूँ, वैसे चल फिर के ये मेले वगैरह भाग जाते हैं, रात पूरी हो जाए भाग लग नहीं भागते लग जाते फिर दोबारा आते नहीं। अच्छा नहीं। फिर नहीं आते? नहीं आते। तुम्हारी खिदमत नहीं कर? नहीं। आपसे एक सवाल कर दूँ? उससे सवाल ना कर। ओलिया अल्लाह है ना, जो ओलिया अल्लाह यार तुम कर। अच्छा मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुन लें, आपने तो मेरी बात सुन लें, अब आप मेरे सवाल तो पूरे होने दें, मुझे बता दें, मुझे बता दें जरा, आप मुसलमान हैं, नबी का कलमा पढ़ा है नहीं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, माशाल्लाह। मैं ये मुझे ये बता दें कि हम मुसलमान इस दुनिया में आए हैं, हमारा एक मकसद है, हमें किस लिए भेजा गया है? रिजक तो अल्लाह ताला दे ही देता है, कीड़ों को भी दे देते हैं, ठीक है ना? रिजक का तो जाहिर सी बात है, लिखा गया है कि आपको रिजक मिलना ही मिलना है, चाहे आप घर में बैठे जहाँ भी मर्जे रिजक ने पहुँच जाना। ज़्यादातर लोग पैसों की खातिर जो है ना ये काम शुरू करते हैं, आस्थाने बना लेते हैं झूठे किस्म के, पता कोई चीज़ में का नहीं होता, वो भी ऐसे ही है ना, मानते हैं इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा है। वो तो काम है, इस्लाम में ये काम ज़्यादा है, जो लोग गलत है इस्लाम में ये काम, वो सियासत में भी गलत है, करप्ट है सियासत में भी, कोई भी शोभा इस्लाम में तो ये जायज़ है ही नहीं। ओ जी नहीं, सारे नहीं है, हर महकमे में है, आपका महकमा है सियासत है, ना को पूछने वाला कौन सा डिपार्टमेंट बचा हुआ है? ये मुझे अंग्रेज हाले तक होने तक जेड़ा है ना अंग्रेज का, आप डिपार्टमेंट तो बाद की बात है, पहले ये चार उंगलियां आपकी तरफ आती है, ऐसे करेंगे तो बाकी आपकी तरफ, अपने आप को पहले हर महकमे में गलत है। मैं चिट्टा अनपढ़ बंदा हूं लेकिन आज तक मैं नहीं बोलिया है कभी भी, लेकिन गल ये वे कि कोई भी बंदा जेड़ा है ना पाकिस्तान दे विच चंद जी ने जिन्हां दे सिर ते पाकिस्तान खलोता जेड़े अलफ ने ते चंगे ने। बाबा जी पहले अपने आप नूं ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना, दूसरे नूं तां ब्लेम ही ना करो, बिल्कुल करना चाहिए, पहले अपने आप नूं ठीक करो। हुण तुसीं किन्ने गलत हो तुहानूं पता है, तुहाडे रब नूं पता है। हां काफी मैं किन्ना गलत हां मैनूं पता है, मेरे रब नूं पता है, इस तरह ही है। अल्लाह वाह ने फरमाया उंगलियां पहले किसी ते उंगली नहीं चुकी, अल्लाह वाह ने फरमाया औजु बिल्लाह मिनश्शैतानिर रजीम, कोई भी काम हो ठीक है ना उससे पहले औजु बिल्लाह शैतान से पनाह। तो ये जो शैतान वाला काम ही आप शुरू कर रहे हैं, जो दुनियादार है ना हर महकमे में शैतीन टाइप के लोग हैं, शैतीन टाइप के लोग हैं। जब शैतान ने कहा कि मुझे सजदा करो मैं आग का बना हूँ, तो फिर तो वो काम जब शुरू कर लोगे शैतान वाले, तो फिर तो शैतान में और इंसान में फ़र्क ही नहीं होगा। कोई भी है ना कोई भी महकमे की तो माफ़ी नहीं है ना, मेरी बात कोई भी महकमा है ना कोई भी, चाहे फकीरी है चाहे फकीरी मलंग है, उसमें गलत लोग इन्वॉल्व हो गए हैं देखा देखी में, यानी कि मुफ्त में उनको ना पैसे भी मिल जाते हैं, नकलीज़ भी मिल जाती है, है ना करप्ट। तो हर महकमे में सियासत में भी है, हर महकमे में ये जो गलत लोग हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं ज़बरदस्ती लूट मारने के लिए। नमाजें वगैरह भी नमाज तो ज़रूरी है, वो तो मुसलमान ये आम तो बाद में ना आस्थाना, ये तो सब इंसान का बच्चा हो दो माँ पे सबके पहले नमाज आई है, कुरान पाक नाजल किया गया मुसलमान के लिए, ये जरूरी है, अगर पाकिस्तान ने एक भी कदम पांच में भी लिखा गया है कि ये गलत है जो आप लोग कर रहे हैं, गलत नहीं है। मैंने ये कहा शिर्क है कि नहीं है, शिर्क है कि नहीं है, हाँ या ना, मैं चला जाऊँगा हाँ या ना, ये आपका सवाल ही गलत है, हाँ ना वाला शिर्क है कि महकमे लोग गलत है, मैं ये कह रहा हूँ आप जो बनाकर बैठे मैं घर में रहता हूँ, आपने कहा आस्थाना, मैंने कहा मैं घर में रहता हूँ, तो आते नहीं लगा इधर आने में मेरे पास नहीं आते, हम घरेलू लोग हैं आस्थानी में नहीं, घर नहीं बनाया, घर नहीं बनाया मैंने आस्थाना, मैं यही पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं 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 है, नहीं बनाया मैंने, आप ही कह रहे हो आप ही किए जा रहे हो, रिकॉर्ड हुए आपने कहा मेरे घर में, नहीं मैंने नहीं कहा। नाज़रीन ये इंटरव्यू आप पूरा देखें, पहले इन्होंने क्या कहा है कि मेरे घर में मेरा आस्थाना, कह रहे मैं आस्थाना है, आपने कहा हाँ है, तेजी तेजी नहीं तेजी में आप बातें करें तेजी तेजी से, अब किसी को मौका नहीं है हाँ ना कहा, मैं तो सवाल आपने जवाब देना, नहीं तेजी से सवाल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, आपने पहले कहा है क्या आस्थाने का घर में
हम घरेलू लोग हैं। आपने मेले में चल गया था। आपने आपने कहा वो मैंने आपने कहा है नहीं है नहीं नहीं है शुरू में आपने कहा आपने कहा लोग झूठा कहेंगे आपको बता दें जब कह दिया तो है तो है इसमें क्या इसमें कौन सी शर्म की बात जब है बनाया तो फिर है जब होता ना तो खुलेआम मैं कहता नाजरी रिकॉर्ड हुआ है बार बार दिखाऊंगा मैं आपको अगर मुंह से निकल भी गया ना आपने कहा मुंह से कैसे निकल जाता है बंदा बशर है गलती का खताओं का पुत्र मुंह से निकल जाता आपने कहा आसाना है मैंने कहा निकल गया मेरे बाघ निकल गई है अगर मुंह से निकल गया बाघ से निकल गया इस चीज़ को तस्लीम कर लो आपने कहा आसाना है तो मैंने कहा मुंह से निकल गया मुंह से नहीं निकला कह दिया हाँ है तो मुझे क्या डर अगर है तो मुझे क्या आपसे क्या डर है मुझे क्या डर है मुझे क्या डर है यही सवाल यही सुनने के लिए मैं बैठा था कि मुझे क्या डर है यही मैंने पूछा है कि शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है और शिर्क जो है ना वो उसकी माफ़ी नहीं है। अब जो इन्होंने एंड में बात कर दिया ना कि मुझे क्या है मुझे क्या डर है डर नहीं है डर अल्लाह ताला को जवाब देना है ला शरीक जवाब अल्लाह को देना है मुझे तो नहीं देना अल्लाह को देना है अपनी ज़िंदगी का और अपने अमाल का जवाब आपने अल्लाह को देना है बिल्कुल बिल्कुल समझिए मेरी बात आपने एंड में कह दिया कि मुझे क्या डर है हाँ है लेकिन यही सुनने के लिए मैं बैठा था और यही सुनना चाहता था लेकिन ये चीज़ गलत है सच्चा है ना वो नहीं डरता बस सही बात है सच्चे हैं मैं सच इंशाल्लाह आपने मुझे देखा मेरा किरदार देखा मैं तो पहली मतलब आप मैंने आपके किरदार ही देखा मैंने हाँ बिल्कुल मैं तो पहली यही गुमान करना भी है गुमान करना भी देखो यार एक मुसलमान का काम नहीं भाई मैं मुसलमान का ये काम नहीं है कि खाली आपने नबी का कलमा पढ़ लिया बस आप मुसलमान हो गए नहीं नाम के मुसलमान ही हो आपको समझाना भी चाहिए अगर एक इंसान को नॉलेज नहीं है तो उनको समझाना चाहिए मुसलमान का काम ये भी है कि नमाज के लिए भी आप जो है ना दावत दें तबलीग है ये इसको तबलीग कहते हैं तबलीग कहते हैं कि नमाज की दावत दें अच्छे अमाल की दावत सही है नमाज पढ़नी चाहिए आप एक दूसरे मुसलमान को अच्छा मशवरा देंगे तबलीग के लिए बुलाएंगे नमाज पढ़नी चाहिए मैं भी पढ़ता हूँ ये अच्छा काम है तो उसके हर मुसलमान की जिम्मेदारी मुसलमान को भी समझाएं निकालें वो नाज़रीन मेरी बातें इनको चुभ रही होंगी लेकिन ये सच है अगर इसमें कितनी सच्चाई है आपने मुझे कमेंट्स में बताना है तो दिखाना बहुत जरूरी था अल्लाह हाफिज़।